बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं ऊधम सिंह नगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें जिले की कार्यकारिणी में 81 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपा गया है। जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने बताया कि जिला कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 10 लोगों के नाम की घोषणा की गई है। जिला मीडिया प्रभारी के रूप में एक नाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष के लिए 42 लोगों के नामों पर मोहर लगी है। वहीं जिला मंत्री के लिए भी 10 नाम पर सहमति बनी है। जिला सचिव के लिए 18 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखो, लगभग हमने आज इस कमेटी में 81 लोगों को जो है जिम्मेवारी दी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 10 लगभग वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इसमें, और एक हमने बनाया है मीडिया प्रभारी। और अगर मैं उपाध्यक्षों की बात करूँ तो उपाध्यक्ष हमने लगभग बनाए हैं इसमें लगभग 42, और उसके बाद हम आ जाते हैं महामंत्रियों में। महामंत्री में हमने बनाए हैं 10, और उसके बाद हम आ जाते हैं सचिव में। सचिव हमने बनाए हैं लगभग 18। तो टोटल 81 लोगों को हमने जिम्मेवारी ये दी है, और इसमें जाति समीकरण, किसानों को, व्यापारियों को, हर जाति वर्ग का सबका ध्यान करते हुए हर विधानसभा में बार बार सलाह करके हमने आज सूची ये जारी करी है।